हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। इस वीडियो में मैं आपको एक भजन बताने जा रहा हूँ, वह शक्ति हमें दो दयानिधे। और भजन को बताने से पहले मैं आप सब से आग्रह करूँगा कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको हर हमेशा नोटिस मिल जाएगा कि क्या अपलोड हुआ है और आप उसका लाभ उठा पाएंगे। तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। और चैनल अच्छा लगे या किसी भी कि भजन से आपको लाभ मिलता है तो कमेंट्स और लाइक्स बटन को दबाना ना भूलें। ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। सी शार्प से मैं बताने जा रहा हूँ और ये भजन जो है ये काफ़ी राग में है। कोमल ग और कोमल नी है, बाकी सभी स्वर शुद्ध लगते हैं इसमें। चूँकि काफ़ी राग है और लाइट म्यूजिक का राग भी है और लाइट म्यूजिक में प्रयोग हो रहा है, इसीलिए किसी दूसरे नोट्स को अगर इसमें सुंदरता के लिए लगाया जाता है तो कोई नियम का उल्लंघन नहीं है वो। ठीक है, और इसमें कोमल ध का प्रयोग कभी कभी हुआ है तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में जब हम किसी चीज़ को गाते हैं तो उसके नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है, परंतु जब उसे लाइट म्यूजिक में हम यूज करते हैं तो किसी दूसरे नोट्स को सुंदरता के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि नियम का उल्लंघन नहीं है। ठीक है, तो आइए इसे हम देखते हैं। एक एक वर्ड्स का मैं नोट्स आपको बताता हूं और आप उसे लिखना चाहे तो लिख लें और हारमोनियम पर सीधा प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं। ये देखिए, वाह शक्ति, सरगम है ये, सारे नी सा, हमें दो सागमा दयानिधे, पा 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 पा। ठीक है, तो ये आप लिख लें और आराम से इसे हारमोनियम पर आप प्रैक्टिस कर लें। अब ये रेगुलर तरीके से अगर बजेगा तो इस तरह, वाह शक्ति हमें दो दयानिधे। अब दूसरी लाइन देखें, कर्तव्य रेगुलर तरह से गाया जाए तो इस तरह होगा, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। ठीक है, फिर तीसरी लाइन इस तरह है, पर सेवा, सरगम पहली लाइन की तरह ही, सारे नी सा, पर उस उपकार ग जीवन मा मा गा
गा सफल बना मामा पा पागा जाए रे सा। अब इसे अगर रेगुलर तरह से गाएं तो किस तरह होगा? पर से कोरस स्थाई पार्ट। आइए अब अंतरा का पाठ करते हैं। हम दीन दुखी सरगम है पाधा कोमल ध का प्रयोग है इस तरह पा मा पा पा नी धा पा। अब इस लाइन को थोड़ा सा रेगुलर करके मैं गा के सुना रहा हूं आपको। हम दीन दुखी नीब लो सेवक सरगम पा पा मा मा गा गा बन संताप हरे। सरगम है बन मा मा संताप पा मा गा गा रे और हरे रे सा सा। अब इसे रेगुलर तरीके से के से वक बन संताप हरे। अब अगली दो लाइन जो है हर एक अंतरे में वो पहली लाइन और दूसरी लाइन की तरह गाया जाएगा। इसी तरह देखें जो ओ हो सारे मीनी भूले भटके बिछुड़े और सरगम है सा गा भूले सा गा भटके का मा मा पा बिछुड़े का बिछुड़े। और फिर चौथी लाइन इस तरह है उन को पा पा मा मा तारे गा गा मा मा खुद पा मा तर गा गा जाए रे सा। अब इसे अगर रेगुलर से दोनों लाइन को गाया जाएगा तो इस तरह होगा जो हो भूले भट के बीच
छोड़े उनको तारे खुद तर जाए। ठीक है, तो ये सरगम और शब्द को आप लिख लें। तो ये है स्थाई की चार लाइन और अंतरा में चार लाइन, और दूसरे जो अंतरा हैं उनके भी शब्द इसी तरह हैं और इसी तरह गाए जाएंगे, और इसे मैं पार्ट टू में रिदम के साथ गा करके मैं बताऊंगा और आप उसे एक बार देख लेंगे तो आप पूरे गाने को बहुत ही अच्छे तरीके से निकाल भी पाएंगे और उसे गा भी पाएंगे। ठीक है, तो आप इसे प्रैक्टिस करें, फिर दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।